अस्सलाम वालेकुम। आज शनिचरवार 1 जून 2024 त्रय जीकतुलसन 1445 हिजरी जम्मू कश्मीर से शाया होने वाले मकामी अखबारात की आज की सुर्खियां। पार्लियामानी इंतखाब 2024 का सातवां और आखिरी मरहला, सतुंजा नशस्तों पर वोटिंग की तैयारियां मुकम्मल। वजीर आजम और कई सीनियर लीडरान समेत 904 उम्मीदवारों में से 4 जून को वोटिंग शुमार कर नतीज का ऐलान। पुंछ में फायरिंग के मुख्तसर तबादले के बाद ऑपरेशन जारी। अखनूर जम्मू खौफनाक सड़क हादसा, इंस्पेक्टर समेत महकमा ट्रांसपोर्ट के 6 अहलकार मुअत्तल। ट्रांसपोर्ट कमीशन जम्मू कश्मीर के जम्मू दफ्तर के साथ मुंसलिक, इंक्वायरी शुरू। नए लोकसभा नोटिफिकेशन शाया होने तक इंतखाबी जाब्ता इखलाक बरकरार रहेगा। रहनुमाई खतूस सख्ती पर अमल आमद किया जाए, इलेक्शन कमीशन का बयान। जम्मू कश्मीर के 5, लद्दाख की 1 नशस्त, वोटिंग की गिनती 8 मकामात पर होगी। सबसे ज़्यादा जम्मू और सबसे कम लद्दाख में शुमार होंगे। कश्मीर में अगले रोज़ के दौरान गर्मी की शदीद लहर खारिज आज इमकाम। 4 से 7 जून तक इलाके में हल्की बारिश मुतवक्का। जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में 4 जून तक मौसम खुश्क व गर्म रहने की पेशेंगोई। लोकसभा चुनाव के दौरानिया में इनकम टैक्स से मुल्क की गहरी कार्रवाइयाँ। 1100 करोड़ रुपए की नकदी और जेवरात जब्त। दिल्ली और कर्नाटक का सरफरस्त, तमिलनाडु का दूसरा नंबर, 550 करोड़ जब्त। वोटिंग का आखिरी मरहला ख़त्म होने के बाद ही एग्जिट पोल की तस्दीक करेंगे इलेक्शन कमीशन। कॉलेजों के लिए फीस फेडरेशन कमेटी तश्कील का हुक्मनामा जारी। दस्तावेज परवाज बम की मौजूदगी की अफवाह। श्रीनगर हवाई अड्डे पर फ्लाइट ऑपरेशन 1 घंटे तक मुअत्तल। तलाशी के बाद कोई धमकी खेज मौजूद नहीं मिली। परवाज दोबारा शुरू है काम। इकदार सरगर्मियों में तेज़ी बरकरार। माली साल 2023-24 में GDP शुरू नमा 8.2% रहने की तवक्का। एक कोर्ट्स प्रोजेक्ट का तीसरा मरहला, अदालती निज़ाम को नाकाबले तस्वीर पर बदल दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी और इंसाफ की फरहमी का निज़ाम आसान हो, चीफ जस्टिस एन गोडे सिंह। तम्बाकू को मुखालिफ आलमी दिन, स्कूलों में 90 डे हुकुम पर आमद। उस्तादों की निगरानी में जगह जगह तुलवा की रैलियाँ। ये थी जम्मू कश्मीर से शाया होने वाले मकामी अखबार की आज की सुर्खियाँ। मजीद खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए किस स्टेट न्यूज़ के साथ। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। जेके स्टेट न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook को फॉलो करें ताकि आपको मिले लेटेस्ट अपडेट।